तो फाइनली दोस्तों आपसे कुछ ही दिन पहले इमरजेंसी मूवी से अपडेट आया था कि कंगना रनौत ने अपनी शूटिंग पूरी कर ली है और उनका शूट भी रैप अप कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज इमरजेंसी मूवी से एक और बड़ा अपडेट आ चुका है जिसमें दोस्तों इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि इमरजेंसी मूवी का पूरी तरीके से शूट कंप्लीट कर दिया गया और अब इस मूवी का रैप अप कर दिया गया है। अगर दोस्तों हम बात करें मूवी इमरजेंसी की, तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि इमरजेंसी मूवी एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली है जिसकी मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगी बॉलीवुड की वन ऑफ दी बेस्ट एक्टर कंगना रनौत, जो कि मूवी में रोल प्ले करती नजर आएंगी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का। और तो और दोस्तों इस मूवी में आपको अनुपम खेर, श्रेयस तालपड़े, मिलिंद सोमन और महिमा चौधरी जैसी शानदार एक्ट्रेस भी देखने को मिलने वाली हैं। अगर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी को अपना शानदार डायरेक्शन दिया कंगना रनौत ने, जिसको प्रोड्यूस किया गया है रेनू पिट्टी और कंगना रनौत के द्वारा। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि यह मूवी कब तक रिलीज होगी और कब तक देखने को मिलेगी आपको सिनेमाघरों में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल जब रैप अप का अनाउंसमेंट किया गया था तो उसमें भी यह क्लियर नहीं किया गया कि इस मूवी को एग्जैक्टली कब रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहा गया कि यह मूवी बहुत ही जल्द आएगी। और दोस्तों खबरों की माने तो यह मूवी आपको अप्रैल के महीने में सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है, जिसकी मेकर्स बहुत ही जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देंगे। तो दोस्तों जैसे इस मूवी के मेकर्स इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट अनाउंस करते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साइड में दिया बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।